तो कहानी की शुरुआत 1944 के इंग्लैंड को दिखाते हुए होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगा है। सारे सैनिक अपने देश वापस जा रहा है। अब हम कॉर्पी नाम के एक एक्स कमांडो को देखते हैं, जो आर्मी जॉब छोड़कर एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कॉर्पी एक वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ एक जंगल में रहता है। एक दिन कॉर्पी को नदी में एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उसे एहसास होता है जरूर आसपास कोई सोने का खदान है, इसीलिए हर दिन नदी के आसपास गड्ढा खोदने लगता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक गड्ढे में उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है। कॉर्पी खुशी से रोने लगता है। कॉर्पी सारा सोना अपने टेंट पर लेकर आता है और पूरी रात जागकर सोने की हिफाजत करते हैं। उसे डर था कि कोई सोने को चुरा ना ले। अगले सुबह कॉर्पी सारा सोना बैग में भरकर घोड़े के साथ वहां से निकल जाता है और उसका कुत्ता भी पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ घंटे चलने के बाद रास्ते में नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो कि अपने सेना को लेकर गुजर रहा था। इनके पास एक भयानक टैंक था। इनके अलावा कुछ औरतों को भी बांदी बनाकर ले जा रहा था। कॉर्पी ब्रूनो को देखते देखते जाता है, तभी ब्रूनो के पास उल्प नाम की एक आदमी आता है। वो कॉर्पी को गोली मारने ही वाला होता है। ब्रूनो उसे रोकता है और कहता है, वैसे भी वो आदमी खुद अपने मौत के पास ही जा रहा है, क्योंकि हमारे कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। कॉर्पी वहां से आगे बढ़ता है। उसे रास्ते में कई लाशें दिखाई देती है। असल में नाजी सैनिक लोगों को मारते हुए देश से बाहर जा रहे थे, लेकिन कॉर्पी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉर्पी ने वर्ल्ड वॉर के दौरान कई लोगों की जानें ली थी। थोड़ी दूर चलने के बाद कॉर्पी को सामने एक ट्रक दिखती है और वहां चार नाजी सैनिक होते हैं। वो सैनिक कॉर्पी को घोड़े से उतारने कहता है और बैग को चेक करता है। उसमें उन्हें कॉर्पी का सोना मिल जाता है। कॉर्पी समझ जाता है, ये लोग सारा सोना लेकर मुझे मार डालेंगे, इसीलिए वो अपने कुत्ते को भागने के लिए कहता है। उसे भागता हुआ देखकर एक सैनिक गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली कुत्ते को नहीं लगता। इसके बाद जब एक सैनिक कॉर्पी को बूढ़ा बोलकर गोली मारने का सोचता है, तभी कॉर्पी चाकू निकालकर उसके सिर पर मार देती है और आर पार हो जाती है। ये देखकर सारे सैनिक कॉर्पी को मारने आगे आते हैं, लेकिन कॉर्पी उन्हें बड़े आसानी से मार देते हैं। कॉर्पी गोली से बचने के लिए वो एक लाश को ढाल बनाता है, तभी ब्रूनो को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने वापस पीछे आते हैं। तब तक कॉर्पी वहां से भाग जा चुका था। ब्रूनो देखती है कि उनके चार सैनिक को किसने मार दिया है। तभी एक सैनिक के पास से उन्हें सोना मिलता है। ब्रूनो समझ जाते हैं, उस बूढ़े आदमी ने ही इन चारों को मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। ब्रूनो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में कॉर्पी दिख जाता है। ब्रूनो अपने टैंक से कॉर्पी पर हमला कर देता है, लेकिन कॉर्पी उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब कॉर्पी एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहां जमीन में चारों ओर माइन बिछाया हुआ है। ब्रूनो भी वहां आ जाता है और अपने सैनिक को गोली चलाने से मना करता है और हंसते हुए कहता है, वो बूढ़ा आदमी अब ब्लास्ट होने वाला है। कॉर्पी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तभी घोड़े की एक पैर माइन पे पड़ता है, जिससे घोड़ा ब्लास्ट हो जाता है और कॉर्पी घायल हो जाता है। वो घोड़े के लिए बहुत रोता है। ब्रूनो भी उनके पास आ जाते हैं और देखते हैं कॉर्पी अपना सोना बैग में भर रहा है। कॉर्पी एक पत्थर से माइन पर मारता है, जिससे ब्लास्ट होता है और धुआं धुआं हो जाता है और कॉर्पी कहीं छुप जाता है। सारे सैनिक कॉर्पी को मारने धुएं में ही गोली बरसाने लगते हैं। कॉर्पी एक ढाल से गोली बच जाता है। जब धुआं साफ होता है तो उन्हें देख पता चलता है कि कॉर्पी भाग चुका है। ब्रूनो दो फिनिशर्सों को ढाल बनाकर माइनफील्ड से गुजरता है। अब ब्रूनो अपने हेड ऑफिसर से कॉर्पी के बारे में पूछता है। उसका हेड ऑफिसर कहता है, तुम्हें कॉर्पी का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो जो कॉर्पी से मिलने के बाद भी तुम अभी जिंदा हो। कॉर्पी वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक कमांडो था। कोई भी उससे दुश्मनी नहीं करना चाहता और कहता है, रशिया के सैनिकों ने कॉर्पी के परिवार को मार डाला, जिससे कॉर्पी और भी खतरनाक कमांडो बन गया। तब से लेकर आज तक कॉर्पी 300 से ज्यादा रशियन सैनिक को मार चुका है, पर ब्रूनो को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो कॉर्पी को खोजना जारी रखते हैं। अब हम कॉर्पी को देखते हैं। उन्हें रास्ते में एक जला हुआ ट्रक मिलता है। कॉर्पी छुपने ट्रक के पास चले जाते हैं और अपने घाव में से चाकू देकर बुलेट को निकाल लेते हैं और मिट्टी से ही घाव को ढक लेते हैं। अब उनका कुत्ता भी उनके पास आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ नाजी सैनिक आ जाते हैं। उनके आवाज से कॉर्पी होशियार हो जाता है। वो देखते हैं नाजी सैनिक उन्हें ढूंढने कुत्ते को लेकर आए हैं। वो मौका देखकर उनके ट्रक के नीचे छुप जाते हैं, फिर उस ट्रक के फ्यूल टैंक को काटकर अपने ऊपर फ्यूल गिराने लगता है, ताकि उनके कुत्ते को कॉर्पी की स्मेल ना आ सके। नाजी सेना कॉर्पी को ढूंढने एक नया प्लान बनाता है और वही रुक जाता है। तब कॉर्पी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुत्ता उन्हें देख लेते हैं और भौंकने लगता है।
सैनिक को कॉर्पी का पता चल जाता है। वो गोलियों से कॉर्पी को मारने की कोशिश करता है, तभी एक गोली कॉर्पी के पैर में लग जाता है। फिर भी कॉर्पी वहां से भाग जाता है। ब्रूनो एक कुत्ते को कॉर्पी के पीछे लगा दे भेज देते हैं। ये देखकर कॉर्पी कुत्तों को डराने के लिए खुद को जला लेते हैं और पास के एक झील में कूद जाता है। सभी सैनिक उस पर गोली चलाने लगता है, जिस पर ब्रूनो उन्हें रोकता है और कॉर्पी के झील से बाहर आने का वेट करते हैं। जैसे ही कॉर्पी पानी से बाहर आते हैं, तब सैनिक फिर से उस पर गोली चलाने लगता है। उन्हें पानी के अंदर से ब्लर आने दिखता है। उन्हें लगता है कि कॉर्पी मर गया है, इसीलिए तीन सैनिक सोना निकालने बोट से झील के बीचों बीच जाते हैं। जब एक सैनिक पानी में कूदता है, तब कॉर्पी उसे मार डालता है, जिससे पानी में ब्लर आ जाता है। जब दूसरा सैनिक पानी में कूदता है, फिर से उन्हें पानी में ब्लर दिखाई देता है। ये सब देखकर तीसरा सैनिक वहां से भाग जाता है, जिससे ब्रूनो गुस्से में उन्हें गोली मारकर मार डालती है। कॉर्पी पानी से बाहर आता है और गोलियों से बचने के लिए मरी हुई सैनिक को ढाल बनाता है। कॉर्पी एक गैस स्टेशन पर आकर थोड़ा रिलैक्स करता है और वहीं पर वो सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो सामने वो ब्रूनो को देखती है। ब्रूनो कॉर्पी को बंदी बना लेता है और उसका सोना चुरा लेता है और फिर उसे फांसी में लटका देते हैं। लेकिन कॉर्पी अभी मरा नहीं था। वो फांसी से बचने के लिए एक पैर को एक कील के ऊपर रख देता है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है और इस तरह वो मरने से बच जाता है। और वैसे भी सुबह हो जाता है। एक प्लेन उसके वहां लैंड करता है। तेज हवा के कारण कॉर्पी की रस्सी टूट जाती है। तभी उस प्लेन से दो पायलट बाहर आते हैं और गैस की तलाश करते हैं। तभी उन्हें कॉर्पी और उनका कुत्ता दिख जाता है। पायलट उन्हें गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन कॉर्पी ही उसे मार डालते हैं और पायलट को भी आत्मरा कर देता है और उस प्लेन से ब्रूनो के पास जाने का डिसाइड करता है। इसीलिए एक पायलट को वो जिंदा रखता है। पहले वो अपने घाव से गोली को निकालता है और उस घाव पे तार से सिलाई कर देता है। ये देखकर पायलट उससे बुरी तरह डर जाता है। रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। चेक करने उल्फ जाते हैं तो देखते हैं प्लेन क्रैश में पायलट की मौत हो चुका है। तभी वो नोटिस करता है कि कॉर्पी को जिस रस्सी से फांसी में लटकाया था, वो रस्सी पायलट की गले में है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि कॉर्पी अभी जिंदा है और हमें मारने वापस आ गया है। ब्रूनो भी समझ जाते हैं कि कॉर्पी कितना खतरनाक है, इसीलिए ब्रूनो अपने सैनिक को लेकर तुरंत वहां से भागने लगता है। दो सैनिक इन औरतों के साथ आकर बैठ जाता है और कॉर्पी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी एक लेडी उन्हें बताते हैं कि कॉर्पी बहुत खतरनाक है और फिनिश लैंग्वेज में कॉर्पी को सिसु नाम से बुलाता है, मतलब बहादुरी होता है, और वो काफी हार नहीं मानता। अब कॉर्पी ट्रक के ऊपर से ड्राइवर को मार डालते हैं और ट्रक में रहे एक लेडी को ड्राइव करने के लिए कहता है। वो लेडी ट्रक को दूसरे ट्रक के पास ले आते हैं और सारे लेडी मिलकर उन सैनिक को मार डालते हैं। कॉर्पी उल्फ को आत्मरा कर देती है। तभी बाइक से दो सैनिक आ जाते हैं और वो दोनों कॉर्पी को पहचान जाते हैं, इसीलिए वहां से भाग जाते हैं। कॉर्पी उल्फ को जिंदा छोड़कर चला जाता है। उल्फ को लगता है कि कॉर्पी ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया है। वो सब लेडी वहां आ जाते हैं और उससे बदला लेते हैं। ब्रूनो एक प्लेन से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां कॉर्पी आ जाता है और प्लेन में गोलियां चलाने लगता है। प्लेन को पकड़ लेता है और प्लेन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ब्रूनो को शक होता है। वो चेक करने जाता है तो दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉर्पी ब्रूनो को बॉम्ब से बांधकर नीचे फेंक देता है और नीचे गिरने से वो ब्लास्ट होता है, जिससे वो मरा जाता है। पायलट को भी गोली लग गई थी, जिस कारण प्लेन नीचे आने लगता है और एक दलदल में जाकर गिरता है। उधर वो लड़कियां भी अपने मुल्क के सेना के पास वापस आ जाते हैं। कॉर्पी दलदल के कारण बच जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो अब कुत्ते को लेकर एक बैंक में आता है। वहां सारे लोग कॉर्पी को देखकर डर जाता है। कॉर्पी एक काउंटर पर जाते हैं, सोना देकर कहता है, इसके बदले मुझे पैसा दो। और इसके साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। सो मिलते हैं किसी और नए स्टोरी के साथ।